ये गौ माता का आशीर्वाद मिल रहा है जो हम यहां सभी हैं उनके लिए। आज के इस देवनारायण गौशाला समिति की तरफ से उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह में मंच पर विराजमान परम पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज साहब, उनके चरणों में अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे पधारे हुए सभी महाराज साहब, उनके भी चरणों में हम वंदन और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय माननीय सुरेश जी भाई साहब, जिनको कि सभी जानते हैं, उन्होंने राजस्थान के अंदर लंबे समय तक प्रांत प्रचारक के रूप में, क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में यहां काम किया है। समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा वो देश को मजबूत करने में आगे रहते हैं। ऐसे माननीय सुरेश जी भाई साहब कैबिनेट में मेरे साथी गोपालन मंत्री सम्मानीय जोराराम जी कुमावत साहब आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, भाई प्रेम सिंह जी राव साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, भीलवाड़ा से हमारे लोकसभा के सांसद सम्मानीय दामोदर जी अग्रवाल साहब, हमारे विधायक जो गाय सेवा करते हैं ऐसे अशोक जी कोठारी साहब, हमारे यहाँ के विधायक लोकल विधायक भाई गोपीचंद जी मीणा साहब, माननीय निम्बाराम जी भाई साहब क्षेत्रीय प्रचारक, माननीय मुरली जी भाई साहब प्रांत प्रचारक, भाई उदयलाल जी भड़ाना साहब एमएलए, लादूलाल जी पितलिया साहब, बीरेन जी कानावत साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा जी, बरजी देवी जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी वो समाज के वो बंधु जो समाज की प्राकृतिक और आस्था और जिस कार्यक्रम में वो भाग लेते हैं और जहां वो गाय की सेवा करने का काम करते हैं, ऐसे मेरे सभी पुजारियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और सभी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं यहां विराजे चार भुजा नाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और एक बार आपसे भी कहता हूं, जोर से बोलिए चार भुजा नाथ जी की, चार भुजा नाथ जी की। क्योंकि ये मेवाड़ का ऐसा आस्था का केंद्र है, जन जन की आस्था का केंद्र है और यहां मेवाड़ पर उनकी जिस तरह से कृपा रहती है, यहां के लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनके अंदर अपार श्रद्धा है। ऐसे हमारे सभी श्रद्धालु जो यहां आते हैं, निश्चित रूप से मैं भी आज यहां आकर उनके दर्शन करके और गौशाला में आके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं कि मेरे को आयोजन समिति ने यह मौका दिया और मैं आज आपके बीच में भगवान चार भुजा नाथ जी के भी दर्शन किए और इस गौशाला के एक नेक काम में मैं आया, तो मैं भी निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं। मैं धनोप माता मंदिर, धानेश्वर मंदिर, घाटा रानी माता मंदिर, स्वास्थ्य धाम और राम सनेही संप्रदाय के तीर्थ राम द्वारा में भी शीश नवाता हूं, क्योंकि यह क्षेत्र हमारा आस्था का, धार्मिक आस्था का क्षेत्र है। मैं उनको भी शीश नवाता हूं। यहां श्री सुरभि गौ चिकित्सालय, गौगृह, आईटीआई भवन के उद्घाटन और किसान प्रशिक्षण सभागार के विस्तारीकरण एवं शिलान्यास समारोह में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। यह गौशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत ने 2003 में जब अकाल के समय
श्री देवनारायण गौशाला की स्थापना की, जो आज सुविधाओं से सुसज्जित भी है और एक गौशाला अपने क्षेत्र में एक उन गायों की सेवा करने वाले उन सभी गौ भक्तों के लिए प्रेरणा भी है। आज इसमें 500 से ज्यादा गौवंश है और रोगग्रस्त एवं दुर्गाकांत गौवंश भी इलाज के लिए यहाँ आते हैं। और आज मैंने देखा यहाँ जिस तरह से एक्सरे मशीन है, क्योंकि पहले हम देखते थे हमारी गाय माता का पैर टूट जाता था, कोई दिक्कत हो जाती थी, हम उस पर कपड़ा बांध करके, आग बांध करके उसको कस करके छोड़ देते थे। वो महीने में, डेढ़ महीने में, दो महीने में, तीन महीने में सही होती थी, हमारी गाय माता दुख पाती थी। लेकिन आज मैंने देखा कि एक्सरे के माध्यम से हमारे जो गौ सेवक हैं तुरंत एक्सरे करते हैं और उस गाय को आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसमें प्लेट लगा करके और उसका ऑपरेशन करके उसको 15-20 दिन में ठीक कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गौशाला का काम, ये बहुत बड़ा काम होता है। इस गौ चिकित्सालय में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जिससे गौवंश को किसी भी चिकित्सा समस्या त्वरित प्रभाव से उपचार मिल सकेगा। मुझे ये देख करके खुशी हुई कि गौशाला की देखभाल, पोषण, इलाज की व्यापक इंतजाम यहाँ किए गए हैं। मैं इस अवसर पर समाज के उन सभी स्वयं सेवकों को, दानदाताओं को, प्रबंधकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी मेहनत और समर्पण से ये गौशाला का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है। हमारे प्रदेश के कणकण में भगवान कृष्ण बसते हैं। गौ माता से भगवान कृष्ण का जो लगाव है उसके बारे में आप जानते हैं। भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वो गौचर भी थे, गाय चराने वाले थे, गायों के लिए जब देखा कि इंद्र भगवान कुपित होकर के वर्षा कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठा करके हम जन की भी सेवा की और गौ की रक्षा करने का काम भगवान कृष्ण ने किया था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मैं जिधर जाता हूं लोग कहते हैं कि साहब हो रही है, अरे आप गौ भक्त हो इसलिए बारिश हो रही है, यह गौ माता की कृपा है इसलिए बारिश हो रही है। गौ माता का सनातन संस्कृति में हमेशा ऊंचा स्थान रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में छोटे छोटे अनुष्ठान से लेकर बड़े बड़े आयोजनों में हमारी गाय माता का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी गाय माता की पूजा होती है और अगर गाय माता की जिस घर में पूजा होती है वो घर बढ़ता ही जाता है और गाय माता ऐसा आशीर्वाद देती है कि वो घर आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं होता है। क्योंकि अगर घर में गौ माता होगी तो आदमी गाय का दूध पिएगा, घी खाएगा, दही खाएगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो उसके मन में काम करने की कल्पना भी स्वस्थ होगी। क्योंकि मन स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है, और मन स्वस्थ होता है तो उसका काम भी स्वस्थ होता है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि उसके गोबर से और गौमूत्र से भी हमारा घर पवित्र होता है। और आपने देखा होगा कि उसकी गौमूत्र की कितनी उपयोगिता है, हमारे जोरा राम जी ने आपको बताया है। हमारे घरों में प्रतिदिन जो चूल्हा जलता है जिससे खाना बनता है, पहले गौ के कंडे से जो खाना बनता है और गाय का, क्योंकि हवन में भी गाय के गोबर वाले कंडे काम में आते हैं, उससे जो वातावरण बनता है, उससे जो वायुमंडल है वो वायुमंडल शुद्ध होता है और गाय का गोबर प्रदूषण को समाप्त करने का काम करता है। हम गाय को चारा खिलाते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं,
गाय की सेवा करते हैं, क्योंकि गाय की सेवा हमारे शास्त्रों में सिर्फ तीन माताओं को कहा है। मां तो मां है ही, लेकिन धरती मां, गौ माता और गंगा माता, ये मां के साथ में तीन माता और हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। अगर इसका मन से महत्व तो आप समझोगे तो माता का जो लाड और प्यार है ये धरती माता से भी मिलता है, गौ माता से भी मिलता है और गंगा माता से भी मिलता है। इसलिए हमारे सनातन में इनको पूज्य माना गया है। हमारी संस्कृति में गौ माता की महिमा का अंदाज इसी बात से और लगाया जा सकता है। आप देखते हैं पंडित जी के पास जाते हैं, और ये हमका नहीं है, यह सनातन से चला आ रहा है कि गाय माता जब जंगल से गांव की ओर आती है उस बेला को, क्योंकि जब वो आती है तो धूली उड़ती है और उस बेला को गौ धूली कहते हैं। जब पंडित जी व किसी के फेरा नहीं निकलते हैं, समय ठीक नहीं होता है, तो क्या कहते हैं, गौ धूली में फेरा पाड़ लेना, आपकी नौने दसों सिद्ध हो जाएंगी। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा महत्व है कि गौ धूली के अंदर अगर कोई भी हम शुभ काम करेंगे तो वो शुभ काम अच्छा होगा। ये भी हमारी संस्कृति में आता है कि गौ धूली बेला बहुत ही शुभ मानी जाती है। गाय का महत्व भारतीय धर्मानस में सदियों से रचा बसा है। गाय और पूरे गोवंश को हम आस्था और श्रद्धा के रूप में देखते हैं। गोवंश की महिमा अपार है। आर्थिक समृद्धि, कृषि, आयुर्वेद, आधार और पर्यावरण के क्षेत्र में हमें सभी जगह इनका लाभ मिलता है। हमारे अनेक पर्व सीधे गोवंश के लिए, आपने देखा होगा, दो तीन त्योहार तो हमारे इसी के मन में है। गोपाष्टमी हमारी होती है और गोवर्धन पूजा भी होती है, और गोवर्धन पूजा के दिन हम गाय को आराम से धुलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, नए उसके गले में नया बना करके उसकी अच्छी तरह से सजाने का काम करते हैं। कितनी बड़ी सेवा होती है, और उसको हम पूजते हैं, वो हमारे जीवन का आधार होती है और हर पल हमारे जीवन का आधार होते हुए गाय माता जो हमको सुकून देती है और हर क्षेत्र में हमको, चाहे आर्थिक समृद्धि हो, कृषि हो, आयुर्वेद हो, चाहे हमारा पर्यावरण के क्षेत्र हो, सब में उनका उपयोग होता है। हमें भी गाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना है, उसे निभाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है गौ माता की देखभाल हम ठीक प्रकार से करें, और आप करके देख लीजिए। अगर आपके पास गाय है तो सुबह जाइए, गाय माता के दर्शन कीजिए, उसके पैर छुइए और उसकी जो पूछ होती है अपने सिर पर लगाइए, और देखिए आपका दिन कैसे होता है और आपके घर में समृद्धि कैसी आती है। जहां आप परेशान होंगे, घर में बीमारी होगी, अब आप कहेंगे ये मैं बता रहा हूं, गाय की सेवा का महत्व बहुत बड़ा होता है। हमारी सरकार गोवंश संरक्षण गोपालक की सहायता के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। हमने 1,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोपालक क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। जिसके घर में अगर एक या दो गाय होंगी, तीन गाय होंगी, हम जैसे खेती का क्रेडिट कार्ड मिलता है, ऐसे हम गौ पालक क्रेडिट कार्ड देने का काम करेंगे। और 1,00,000 रुपए का कार्ड मिलेगा, और इसमें एक बात यह भी है कि आप सबसे पहले हम जाते हैं कहीं भी, हमारे रिश्तेदारी में जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, खेतीबाड़ी कैसी है साहब, आपके यहां बताइए, किसान का काम तो यही है ना, बताइए साहब खेतीबाड़ी कैसी है, पहला प्रश्न तो ये पूछते हैं। बोलते बहुत अच्छी है साहब, बारिश अच्छी हुई है, अच्छी खेतीबाड़ी है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, घर में दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं ना, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे किसानों आप तो यही पूछते हैं ना, है
पहले खेती की पूछते हैं, फिर दूध की पूछते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, ये इसीलिए और उन छोटे बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, जो छोटे बच्चे घर में रहते हैं, अगर किसी के घर में दूध नहीं है तो ये गोपालक कार्ड इसीलिए है कि एक गाय दो गाय लाइए, घर में गाय रखिए, जिससे कि बच्चे भी स्वस्थ रहें और आंगन भी स्वस्थ रहे। इसलिए गोपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, जो बच्चों ठीक प्रकार से रह सके, स्वस्थ रह सके, मस्त रह सके। हमने प्रदेश में गोवन संरक्षण के लिए संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया, अनुदान में 10% की वृद्धि भी की है। प्रदेश के 100 गौशालाओं में हमने, इसलिए क्योंकि आप देखते हैं, अगर गौ काष्ठ अगर किसी को मिलेगा तो वह दूसरा ईंधन कोई नहीं खरीदेगा। हमने इसलिए 100 मशीन निःशुल्क उनको देने का काम किया है, जिससे हमारी गौशालाओं में ठीक गौ काष्ठ बन पाए और उसका उपयोग ठीक रूप से हो पाए, जिससे कि हमारे वायुमंडल में किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं हो। हम प्राकृतिक प्रदूषण किसी प्रकार का करने के लिए, हमने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हमने 100 गौशालाओं में गौकाष्ट मशीन उपलब्ध कराने का काम किया है। लोगों के उत्थान के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हमने बजट में शाहपुरा के लिए पूरा ख्याल रखा है। हमने शाहपुरा में सड़कों का बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। हमने कासौरिया, कावलियाबाद, डाबला, खामोर, बलदरगाह सड़क का निर्माण कराएंगे। 9 चौक से चावंडिया चौराहे तक हाई लेवल पुल पर डिवाइडर समेत एप्रोच सड़क का निर्माण कार्य कराने का काम भी हमने किया है। यही नहीं, डियाज, पनोतिया, देवरिया, धनौ का कैरोट सड़क का निर्माण और खारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज एवं सीढ़ी वर्क का भी काम कराया जाएगा। ये भी हमने यहाँ के लिए किया है। राजकीय चिकित्सा देवली से कुचलवाड़ा माता जी के मंदिर तक सड़क चौड़ाईकरण में नाला डिवाइडर सीसी सड़क का निर्माण कराने का काम भी किया है। त्रिवेणी चौराया जहाजपुर देवली रोड का उन्नयन का कार्य कराने का भी काम किया है। सरसिया से भूबार तक सड़क का चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण का काम भी हमने बजट में लिया है। हमने शाहपुरा के औद्योगिक विकास के लिए पीपलूद में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना करके, इसके अलावा पंडेर में औद्योगिक पार्क स्थापित करने का काम भी हमने बजट में लिया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी बनाने के लिए जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय खोलेंगे, कोटरी में नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ये भी हमने किया है। जहाजपुर में जनजाति छात्रावास और सरसिया में जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। हमने बजट में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने का भी पूरा ध्यान रखा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाजपुर को उप जिला चिकित्सा में क्रमोन्नत करने का काम किया है। सरदार नगर और अमरगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने का काम किया है। जिला अस्पताल शाहपुरा हेतु भवन निर्माण का कार्य करवाएंगे। गाडोली जहाजपुर में नवीन पशु स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। इसके अलावा घोड़ा जहाजपुर में 33 केवी जीएसएस, बनेड़ा में खेल स्टेडियम, शाहपुरा में खेल अकादमी, जहाजपुर में नगर पालिका एवं फल सब्जी मंडी की स्थापना की जाएगी। बनेड़ा में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य भी करवाए जाएंगे। हमने काले हिरणों के संरक्षण हेतु शाहपुरा जिले के अशोक क्षेत्र को आकेट से निश्चित एवं कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित करने का काम भी किया है। हमने जो जितनी बजट की घोषणाएं आपके यहाँ की है, आने वाले समय में निश्चित रूप से वो सभी धरातल पर आने वाली है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में जो आपसे वायदे किए थे, निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको पूरा करेगी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप एक नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र की या राज्य की सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो, इसकी चिंता भी आप लोग करें, क्योंकि
हम इस प्रदेश के, जिले के और इस क्षेत्र के हम नागरिक भी हैं। हम सभी का कर्तव्य भी बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें, हम ऐसे लोगों की सेवा करें जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं। जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, कौन मेरी बूढ़ी माँ है जिसको आवश्यकता है, कौन मेरा विकलांग भाई है, मेरा वो गरीब मजदूर भाई है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है और सरकार की योजनाओं की योजनाओं से उसको लाभ मिल सके, योजनाओं से उनको जीवन स्तर कैसे ऊपर उठा सके। ऐसे सभी लोगों का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। आपको देखना है मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको इन योजनाओं का लाभ मिल सकता हो। हम हमारे गांव में, ढाणी में, पड़ोस में उसे देख करके उसका लाभ भी दिलवाएं। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम उन्होंने अपील की है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और आप देख रहे हैं जिस तरह से अब की बार हमारे प्रदेश में इंद्र भगवान की कृपा है, अच्छी बारिश हो रही है। मैं कहना चाहता हूं अगर एक पेड़ मां के नाम हम सभी ने मेहनत करके लगा दिया, उसकी परवरिश हो गई, तो ये बारिश जो अब की बार हो रही है ये हमेशा होने वाली है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा, और हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो हमारी इस तरह से बारिश भी होती रहेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो हमने आपसे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हमारी सरकार एक एक करके उस वायदे को पूरा कर रही है। और आपने देखा होगा बजट सत्र में हमने कहा था, हमारे कई नेता कहते थे कि आपने पेपर लीक में क्या किया, हमने कहा कि हमने ये स्टार्ट हो गया है, वो भी धीरे धीरे आने लग गए हैं। मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस मन से, जिस भाव से आपने भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई है, आप चिंता मत करिए, एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। ऐसे लोगों को मौका आ रहा है।